रामखेड़ा के बल्ला खेड़ी में मारपीट के मामले में मीना समाज ने सौंपा ज्ञापन। रामराज बघेल और घनश्याम बघेल द्वारा शराब के पैसे न देने पर मारपीट का आरोप। प्रशासन द्वारा रामराज बघेल के दबाव में आकर पीड़ित मोहन सिंह मीना और अन्य लोगों पर की जा रही कार्रवाई रोकने की मांग। न्याय न मिलने पर खामखेड़ा के बाजार को अनिश्चितकालीन बंद करने का ऐलान। 7-8 दिन पहले खामखेड़ा के नजदीक राम बल्ला खेड़ी में मारपीट का मामला सामने आया था। इसी बात को लेकर मोहन सिंह मीना, राकेश मीना और कमलेश मीना के साथ मीना समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कलेक्ट्रेट में पहले प्रशासन और फिर पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के नाम प्रेषित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को और एसपी का नाम प्रेषित ज्ञापन एएसपी संजय साहू को सौंपा। मीना समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि यह मारपीट जिस तरीके से बताई जा रही है वह गलत है। मोहन सिंह मीना और राकेश मीना गरीब परिवार से हैं। उनसे रामराज बघेल ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। पैसे ना देने पर मारपीट की गई थी। अब उसी बात पर प्रशासन और राजनीतिक दबाव के चलते मोहन सिंह मीना, राकेश मीना के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके आवास पट्टे को तोड़े जा रहे हैं, जिससे पूरा मीना समाज आक्रोशित है। ज्ञापन के जरिए समाज के सदस्यों ने बताया कि यदि कार्यवाही नहीं रोकी गई तो खामखेड़ा बाजार को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा, सड़कों पर भी आंदोलन होगा। वहीं उन्होंने खामखेड़ा पुलिस चौकी के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही को भी भेदभावपूर्ण बताया। क्या शिकायत है और क्या ज्ञापन दिया? आज हम समाज के वरिष्ठ जनों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं। घटना आज से 6-7 दिन पहले की है। बल्ला खेड़ी के रामराज डांगी एवं घनश्याम बघेल, रामराज जी एवं घनश्याम बघेल जी द्वारा हमारे समाज के जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, मोहन सिंह मीना एवं उनके बच्चों के साथ शराब पीने पैसे मांग रहे थे, उसके साथ उन्होंने मारपीट की। तो मारपीट करने के बाद में उन्हें कहा कि अगर आप इस तरह से हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गांव से भी भगा देंगे। इसकी शिकायत करने जब हमारे लोग मोहन सिंह जी मीना अपने बच्चों के साथ में थाना खामखेड़ा गए, वहाँ पे भी भगा दिया, करारिया में भी भगा दिया। कोई पुलिस ने जो है रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा उनके विरुद्ध 307 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया और उन पर लूट कायम कर दी। मैं ये माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय साहब से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी धारा के हिसाब, यानी कौन सी जगह ऐसा लिखा है कि आप बगैर जांच के आप 307 कायम कर देंगे? क्या डेफिनेशन क्या है 307 की? 395 आपने कायम कर दी, डकैती काय से कहते हैं आप? इस तरह से कोई किसी का भी फोन आ जाएगा कि किसी भी अपने हमारे गरीब लोगों को आप उठा के ले जाएंगे? ये सरासर अन्याय है। मीणा समाज इसके विरोध में उतरी है और अगर ये कार्रवाई बंद नहीं हुई, इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और हमारे लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम चक्का जाम करेंगे, अनिश्चितकालीन बाजार बंद कर देंगे और जितनी भी संस्थाएं हमारे क्षेत्र में हैं एक को खुलने नहीं देंगे, ऐसा हमारे मीणा समाज के वरिष्ठ लोगों ने निर्णय किया है। इसी घटनाक्रम में एसपी ने पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। नहीं, सस्पेंड होने से हमारे आवेदन पर क्या हुआ? सस्पेंड पूरा पुलिस प्रशासन किसी को सस्पेंड करे, उससे हमें क्या लेना देना? हमारे उसमें जो आवेदन दिया है हमारी रिपोर्ट तक कायम नहीं की, हमारे लोगों को झूठा फंसा के 307 कायम कर दिया, जेल भेज दिया। ठीक है, आप 307 कायम करते ना, किसने मना किया? लेकिन आप वो मेडिकल रिपोर्ट आ जाती, बिना मेडिकल रिपोर्ट के आपने प्रथम दृष्टि 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। सर आरोपी सरपंच जो है उसे अपने सदस्य कार्यालय के नजदीक में भी देखा गया था, जो आरोपी सरपंच जिसने मारपीट करी अभी आपके कार्यालय के बाहर ही बैठा था वो। आवेदन देने का अधिकार सभी को है, आवेदन देने की कोई भी नहीं है। ये इंडिकेशन का विषय हम के बाकी आरोपी आज तो
है।